Hello everyone and welcome to another session on Paper 2 Commerce and Management. So very good evening. My name is Shubham Singhania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आपको तो जैसे पता ही है कि अभी जो रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट हुए थे दिसंबर और नवंबर 2021 में उसमें कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफी ज्यादा आया था एंड दे वर आउट ऑफ योर सिलेबस एंड इन क्वेश्चंस को मैं हमेशा एक नाम देता हूँ दैट इज हॉट्स विच आर हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. तो 70-80% जो क्वेश्चन आए थे वो तो आपके सिलेबस से आए थे बट कुछ 10-15% क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के अंदर चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो हर सब्जेक्ट के अंदर 10-15% क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपके सिलेबस के बाहर के होंगे बट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे. अब एक तरीका क्या है कि आप इन टॉपिक्स को खुद से पढ़ें इधर उधर गूगल करें उसमें भी हो सकता है 100% क्लैरिटी ना आए. और दूसरा उपाय क्या हो सकता है कि आप मेरे साथ इन सेशंस में जुड़े जहां पे मैं आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला हूं. सो टुडे इन दिस पर्टिकुलर सेशन व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इज द टॉपिक फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर टू कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट में पूछे गए थे उनको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं अलॉन्ग विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशंस हैं ये ट्यूजडे से लेकर सैटरडे तक हर दिन 7 PM पे होंगे विच आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर वन के भी होंगे पेपर टू कॉमर्स के भी होंगे एंड मैनेजमेंट के भी होंगे. तो अगर आप मेरे साथ तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे जुड़ सकते हैं मेरे साथ इन सेशंस में लाइव जुड़ सकते हैं और इन सेशंस में आके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले सकते हैं. इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट बिकॉज लगातार आपको अपडेट्स मिलती रहनी चाहिए अबाउट द सेशंस. ऑल्सो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. वहां से आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें. उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरीज हैं एकेडमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड हो नेट से रिलेटेड हो PhD से रिलेटेड हो सारी क्वेरीज आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम एडेड इन दैट टेलीग्राम ग्रुप. ठीक है चलिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगा जल्दी से पहला क्वेश्चन देखते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. सिर्फ यही रिमाइंड कराना चाहूंगा दैट इन सेशंस के अंदर मेरा फोकस आपको क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है वो तो आप किसी भी बुक से कर सकते हैं. My focus is gonna be on 100% conceptual clarity. तो यहां आपको 100% conceptual clarity मिलेगी तो आप इन sessions को जरूर attend करें. ठीक है Let's have a look at the first question. Which one of the following is not desirable while handling a grievance? Grievance क्या होती है कि जब भी employee और employer के बीच में majorly कोई issue create हो जाता है तो वो जाके complain करता है जो भी complain का procedure होता है तो उनको handle करने के लिए एक generally एक team बनाई जाती है एक department बनाई जाती है जो उनके इश्यूज और ग्रीवेंसेस को हैंडल करता है. ठीक है सो ये उस टॉपिक से लिया गया है. मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक वैसे तो कोर टॉपिक नहीं है बट जैसे कि आजकल देखा जा रहा है रीसेंट अटेम्प्ट्स में देखा जा रहा है कि NTA वो सारे टॉपिक्स उठा रहा है जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं. तो आपको कोई भी टॉपिक लाइटली नहीं लेना है किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है. पहले दिमाग में होता था कि नहीं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल सिर्फ इन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो काम हो जाएगा बट अब ऐसा नहीं है. जो बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल टॉपिक हैं जैसे कि ग्रीवेंस मैनेजमेंट हो गया ट्रेड यूनियंस हो गया लेबर वेलफेयर हो गया सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हो गए इन टॉपिक पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं. हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एक डिजायरेबल तरीका नहीं है ग्रीवेंस हैंडल करने का. फर्स्ट इज एग्जामिन द ग्रीवेंस पर्सनल रिकॉर्ड. कई बार आपने सुना होगा कि कुछ इंप्लॉयज ऐसे होते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा होता है जिनका बैकग्राउंड ही ऐसा होता है कि लगातार उनके साथ कोई ना कोई ग्रीवेंस होती रहती है. कभी वो अपने कलीग्स के साथ लड़ाई कर लेते हैं कभी वो मैनेजमेंट के साथ लड़ाई कर लेते हैं या फिर कभी ना कभी वो बहुत अदर अन प्रोडक्टिव एक्टिविटी या जिसे आप कहते हैं कि जो अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं जैसे प्रोटेस्ट में पार्ट लेना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन रखना इन सारी एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लेते रहते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए डैट यू आर एग्जामिनिंग द ग्रीवेंस पर्सनल रिकॉर्ड. उसका पर्सनल रिकॉर्ड बैकग्राउंड चेक करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि उसने प्रीवियस ईयर्स में पहले कैसा परफॉर्म किया है या फिर क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड है. ठीक है सेकंड इज होल ग्रीवेंस डिस्कशन प्राइवेटली. कई बार देखिए प्राइवेटली डिस्कशन इसलिए कंडक्ट किए जाते हैं ताकि ऐसा ना हो कि बाकी लोग जो हैं जो और पब्लिकली अवेलेबल लोग हैं जो बाकी इंप्लॉयज हैं वो भी इन सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाए. कई बार कहते हैं ना कि एक खराब आलू जो है वो पूरे के पूरे बास्केट में पड़े सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को खराब कर देता है. ठीक है तो प्राइवेटली अगर काम डिस्कशन करके चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक. ठीक है तो प्राइवेट डिस्कशन से भी चीजों को रिजॉल्व किया जा सकता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. थर्ड इज मेक अरेंजमेंट्स विद इंडिविजुअल एम्प्लॉयज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद द लेबर अग्रीमेंट. मतलब आपने कुछ
कहते नहीं है देके लेके काम सलटा लिया, जिसे हम कहते हैं कि ब्राइब दे दिया, कुछ करप्शन कर दिया एंड उसको करके मामला रफा दफा कर दिया, ठीक है। तो जनरली ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो इनकंसिस्टेंट है लेबर एग्रीमेंट को लेकर या लेबर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो डिजायरेबल नहीं होती है बिकॉज उसको नहीं सही माना जाता, इट इज कंसिडर्ड टू बी अनएथिकल, ठीक है। लास्ट एलिमेंट इज द यूनियन विल आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन एलिगेडली बीइंग वायलेटेड। तो जो ट्रेड यूनियन है वो ये भी देखने की कोशिश करेगी कि भाई अगर कोई ग्रीवेंस आया है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन हो जो एम्प्लॉयर ने ब्रीच कर दिया। भाई बहुत सारे लेबर वेलफेयर नॉर्म्स हैं, बोनस एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, बहुत सारे वॉल्यूमिनस एक्ट्स हैं, हो सकता है उनमें से किसी कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजंस की वॉयलेशन हो गई हो। एंड साथ साथ वो ये भी देखेंगे कि जो इम्प्लॉय के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हुआ है, ठीक है, उसको तो ब्रीच नहीं कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को देखना भी जरूरी है, बिना इनको देखे आप ग्रीवेंस को रिजॉल्व नहीं कर सकते, दैट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, नाइदर वन शुड बी डूइंग, ठीक है। तो हमें बहुत क्लियरली इसका आंसर पता चल गया, लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। वंडरफुल, विनय इज सेइंग सी, ऋषिका इज सेइंग सी, नमिता इज सेइंग सी, वंडरफुल, काफी सारे आंसर्स आ रहे हैं एंड सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये कोई सही तरीका नहीं है, ये एक डिजायरेबल तरीका नहीं है कि आपने कुछ अनएथिकल या फिर इलीगल एक्टिविटीज करके अरेंजमेंट कर लिया विच इज अगेंस्ट द लेबर अग्रीमेंट, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इजी क्वेश्चन बट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडीड, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस क्वेश्चन को मैंने चैलेंज आंसर के टाइम पे भी डिस्कस किया था, बट डिटेल में आपको नहीं समझा पाया था, बट मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर एनटीए ने दिया था वो बिल्कुल ठीक था। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके हमें। द होलिस्टिक इंटीग्रेटेड एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग, कंपेंसेटिंग एम्प्लॉयज इज नोन एज डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज कैसे होते हैं। देखिए हर जो एक टर्म डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, हर जो एलिमेंट इंक्लूड किया जाता है हैज सम रेलेवेंस, क्योंकि अगर रेलेवेंस नहीं होता तो डेफिनेशन जो है, जो टर्म्स की मीनिंग है वो सिनोनिमस हो जाती, ठीक है। इसलिए जब भी कोई ऐसा डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा ये देखने की कोशिश करिए कि ऐसा कौन सा टर्म है जो आपकी डेफिनेशन से नहीं मिलता है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से की टर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो आपको जवाब जरूर मिल जाएगा, अदरवाइज यू आर गोना गेट हाईली कंफ्यूज्ड, ठीक है। जल्दी से चारों ऑप्शन देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट। तो ये चार ऑप्शन हमारे सामने रखे हुए हैं, एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। तब तक आप लोग जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में मुझे कॉमेंट करके आंसर बता दीजिए। अब देखिए इन चारों टर्म्स को बहुत आराम से समझने की कोशिश करिए। प्लानिंग का क्या मतलब है? प्लानिंग एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी? भाई मैन पावर रिक्वायरमेंट को समझना, कितनी हमें मैन पावर चाहिए, क्या हमारे टारगेट्स हैं, क्या हमारे गोल्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि हम सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द एलिमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है इंटायर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस का, ठीक है। नेक्स्ट, जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, सो दिस इज बेसिकली कन्वेज टू थिंग्स। वन, दिस इज अ डिपार्टमेंट। एक तो ये डिपार्टमेंट है जो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क होते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन क्या आप कैसे मेंटेन की जाएगी, टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाएगा, कॉम्पेंसेशन कैसे डिवाइस की जाएगी, ये सारा का सारा टास्क ये हैंडल करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि सारा का सारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, द इंटायर कोऑर्डिनेशन और द मैनेजमेंट इज टेकन केयर बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो आपको क्या समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बड़ा सा समंदर है जिसके अंदर छोटे छोटे बोट्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। उसका एक छोटा सा फंक्शन पार्ट एलिमेंट क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो प्लानिंग रिलेटेड काम देखने वाले, ठीक है। अब तीसरा टर्म जो हमारे पास गिवन है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब स्ट्रैटेजिक आपको पता है, दिस इज मेजरली लिंक विद द स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं फ्यूचर के लिए या फिर मार्केट के लिए, जिसको हम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से देखते हैं। लेट्स से 10 साल में कंपनी प्लान कर रही है कि भाई हमें 20 ब्रांचेस अपनी और खोलनी है, वी आर गोइंग टू ओपन 20 मोर ब्रांचेस ऑफ आर फैक्ट्री ऑफ आर बिल्डिंग, ठीक है। तो इसके लिए हमें और ज्यादा मैन पावर चाहिए होगी, या फिर 10 साल बाद हमारे कुछ इंप्लॉयज जो है वो रिटायर होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि भाई इनकी जगह हु इज गोना टेक ओवर, क्या हमारे बॉस का बेटा है हु इज इक्विप्ड, जो अभी एमबीए करने गया हुआ है,
किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, क्या हम उसको बोर्ड पे लेके आएंगे या स्ट्रैटेजिकली सारे डिसीजन लेना, दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इन तीन टर्म्स को पढ़ने के बाद एक बार जरा आप डेफिनेशन को दोबारा पढ़िए, दोबारा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, आपको क्या नजर आएगा कि ना ही हम सिर्फ प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही हम कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कुछ कुछ एलिमेंट्स तो इस डेफिनेशन के अंदर जरूर गिवन है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओनली, बट सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे कवर नहीं हो रहे। फॉर एग्जाम्पल होलिस्टिक टर्म लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड टर्म लिखा हुआ है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस लिखा हुआ है, और डेवलपिंग भी लिखा हुआ है, मतलब आपको इंप्लॉइज को डेवलप भी करना है, ठीक है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। टैलेंट मैनेजमेंट एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो एलिमेंट है जो सारे के सारे एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करता है और ये कोशिश करता है कि जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है उसको आप प्रॉपरली डेवलप करें, प्रॉपरली इन्हांस करें उनकी स्किल्स को, ताकि उनको लॉन्ग टर्म में आप अपने पास रिटेन कर पाए। दैट इज गोइंग टू बी द पर्पस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलते हैं, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टाइप इज नॉट इंक्लूडेड इन स्किल इन्वेंट्री। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन ऑल्सो, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, बट मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो ये टॉपिक आपको आता होगा, ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया हुआ। स्किल इन्वेंट्री का क्या मतलब है? बहुत ही बेसिक कॉमन लेमैन्स टर्म में क्या मतलब होता है स्किल इन्वेंट्री का? एक ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा प्लेस जहां पे आपको ये पता चलता है कि आपकी इंप्लॉइज की क्या स्किल्स हैं, ठीक है, स्किल सेट है, मतलब क्या क्या काम वो कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं किसी सेल्स इंप्लॉय के बारे में बात करूं हाइपोथेटिकली, तो सेल्स इंप्लॉयज के बारे में क्या माना जाता है कि भाई इनकी कन्विंसिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि अगर नहीं होती तो ये सेल्स के लिए लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते। सेकेंड, दे हैव वंडरफुल और अ हाई लेवल ऑफ पेशेंस। आपने कई बार देखा होगा कि जब कभी सेल्समैन आपके घर पे आता है तो आप उसको काफी ज्यादा भगाने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम चले जाओ, हमें प्रोडक्ट नहीं लेना, बट दे आर हाईली पेशेंट। तो बेसिकली जब हम इन्वेंट्री स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, सो मेजरली हम उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वॉट आर द स्पेसिफिक स्किल्स दैट आर पजेस्ड और आर लर्नड बाई दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब हम जरा एक बार ऑप्शंस देखते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास और हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं इंक्लूड किया जाएगा। इंप्लॉइज पर्सनल डेटा, अब देखिए पर्सनल डेटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको है ना सिर्फ टर्म तक सीमित नहीं रहना है पढ़ते टाइम, टर्म से बियॉन्ड जाके सोचने की कोशिश करिए कि क्या क्या डायमेंशन हो सकते हैं। बिकॉज ये जो आपका नेट का एग्जाम लिया जा रहा है जहां पे 10 सब्जेक्ट आपके पास पेपर 1 के हैं, 10 सब्जेक्ट आपके पास पेपर 2 के हैं, ये आपके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आपको सिखाया जा रहा है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक बार नेट क्वालिफाई करके कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं तो उस टाइम पे आपसे पूछा नहीं जाता है दोस्तों कि भाई बताओ कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है। उस टाइम पे जिस सब्जेक्ट की भी वैकेंसी आई होती है या जिस सब्जेक्ट के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है इंस्टीट्यूट में, उसके लिए आपको रिक्रूट कर लिया जाता है और वो आपको पढ़ाने के लिए दे दिया जाता है। तो आपको थोड़ा अपना माइंडसेट जो है वो खोलना पड़ेगा, ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स रह के दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। तो पर्सनल डेटा कुछ भी हो सकता है, पर्सनल डेटा के अंदर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी तो आ सकती हैं कि आपने क्या परस्यू कर रखा है, क्या आपने कोई मास्टर्स कर रखी है, अगर मास्टर्स कर रखी है, एमबीए कर रखा है तो फाइनेंस में कर रखा है, मार्केटिंग में कर रखा है, स्ट्रैटेजी में कर रखा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में कर रखा है, सो दैट इज गोना बी इंक्लूडेड। तो ये स्किल्स इन्वेंटरी का पार्ट बन सकता है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंप्लॉइज पोटेंशियल। अब क्या है, आपने एक काम के लिए रिक्रूट किया था मुझे, लेट्स से आपने एक्स एम्प्लॉय को सिर्फ सेल्स के लिए रिक्रूट किया था, बट आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि यार ये सेल्स करने के साथ साथ इसकी स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन भी बहुत जबरदस्त है, मतलब ये वहां पे लेट्स से कस्टमर्स के साथ फीडबैक लेके आता है और ये हमें बताता है कि सर कस्टमर ये मांग रहा है, कस्टमर की नीड्स एंड एस्पिरेशन ये है, हम इस चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी में भी वो आपकी मदद कर रहा है। सो स्किल्स तो उसके पास थी, उसका एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें तो थी, बट साथ साथ आपने क्या आइडेंटिफाई किया कि यार इसमें ये पोटेंशियल भी है जिसको हम उसकी स्किल इन्वेंटरी में डाल सकते हैं, ताकि कल को हमें अगर जॉब पड़ गई तो हम इसकी स्किल को यूज कर लें। तो ये भी इंक्लूड होगा स्किल इन्वेंटरी के अंदर, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आ रहा होगा वो आ रहा होगा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग शेड्यूल और सैलरी और जॉब हिस्ट्री के बारे में। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि सैलरी जो है वो हो सकता है आप स्किल से ना जोड़ें, दो उसका भी कनेक्शन स्किल से है, क्योंकि अगर आपको याद हो जब हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जॉब एनालिसिस, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि भाई जॉब एनालिसिस का पर्पज ही यही होता है कि आप पूरे जॉब को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से सैलरी डिवाइस करते हैं। तो जॉब एनालिसिस के अंदर स्किल्स ऑटोमेटिकली आ गई, बिकॉज जॉब एनालिसिस के दो कॉम्पोनेंट होते हैं, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन जहां पे आप उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज
और सारे काम काज जो होते हैं वो बताते हैं, और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन जहां पे आप रिक्विजिट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस और स्किल सेट बताते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर जॉब एनालिसिस से सैलरी डिराइव होती है तो उसके अंदर स्किल्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन द स्किल्स इन्वेंटरी पार्ट एंड देयरफॉर ये आपका आंसर नहीं बन सकता। अब बस कॉमन सेंस आपको लगाना है और कुछ नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग शेड्यूल, अब आप ये बताइए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेनिंग शेड्यूल किसी इंप्लॉय की स्किल इन्वेंटरी का पार्ट कैसे हो सकता है? ठीक है, कौन कौन सी ट्रेनिंग में आप स्किल्स सिखाएंगे, प्लीज अंडरस्टैंड दैट, कौन कौन सी स्किल्स आप सिखाएंगे थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, वो तो इंक्लूड किया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेनिंग का शेड्यूल का स्किल इन्वेंटरी से क्या रिलेशन है? देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कितना ज्यादा दिमाग लगाना है, कितना ज्यादा एनालिटिकली क्वेश्चन को देखना है, तभी आप इन क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, और मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आपने इसका जवाब सही दिया होगा। ठीक है, सो वेरी गुड गोइंग, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। टू अचीव इट्स एम इन स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब अगर स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको परस्यू करना है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से, तो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट क्या करेगा विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, फॉर्मुलेशन भी करना है और एग्जीक्यूट भी करना है, ये नहीं होना चाहिए कि भाई फॉर्मुलेट कर लिया बट उसको एग्जीक्यूट करना भूल गया। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉलिसीज, बिहेवियर, प्रैक्टिसेस एज वेल एज कॉम्पिटेंसीज, चार एलिमेंट दिए हैं आपको, अगर चारों का मतलब पता है तो आपको इसका जवाब आता है। जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए क्या इसका आंसर होना चाहिए। पॉलिसीज एक जनरल गाइडलाइन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी हो सकती है, प्रमोशन पॉलिसी हो सकती है, ठीक है, जो एक गाइडलाइन सेट करती है कि भाई किस तरीके से काम होना है। बिहेवियर यू डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हो सकता है कोई फाइनेंशियल नीड से मोटिवेट होता हो, कोई नॉन फाइनेंशियल नीड से मोटिवेट होता हो। प्रैक्टिसेस, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है, एक्चुअल प्रैक्टिस में आप किस तरीके से काम करने वाले हैं वो आपके प्रैक्टिसेस का पार्ट है। एंड लास्ट इज कॉम्पिटेंसीज, जो बताता है आपकी एबिलिटीज टू डू अ पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, अब आप खुद ये सोचिए, दिमाग लगा के सोचने की कोशिश करिए कि फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन एक एचआर डिपार्टमेंट या स्ट्रैटेजिक एचआर डिपार्टमेंट इनमें से किन चीजों का कर सकता है। बेसिक कॉमन सेंस से दो ही चीजें आप फॉर्मुलेट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एक हो गई आपकी पॉलिसी और दूसरी हो गई आपकी प्रैक्टिसेस। आप लोगों के अंदर कॉम्पिटेंसीज डेवलप कर सकते हैं, बिहेवियर के बारे में प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट आप उनका फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते। दैट वुड डिपेंड ऑन एम्प्लॉयज पर्सनालिटी एंड वेरियस अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस का फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन हो सकता है, एंड देयरफॉर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी, दैट इज ए एंड सी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड है, व्हेयरएज पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, इसलिए हमें बिहेवियर और कॉम्पिटेंसीज को एलिमिनेट करना पड़ रहा है। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Which one of the following performance appraisal methods prevent supervisors from rating all or most employees satisfactory or high? मतलब आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा performance appraisal का method है, कौन सा performance appraisal की technique है जो supervisor को prevent करती है, prevent मतलब रोकती है कि वो सारे employees को या majority of the employees को या तो satisfactory rate कर सके या तो high rate कर सके। इन दोनों में से एक चीज हमें cover करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑल्टरनेशन रैंकिंग मेथड, सेकंड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, थर्ड इज फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डी है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। तो ये चार इंपॉर्टेंट मेथड्स है हमारे पास, इन चारों मेथड्स को बहुत आराम से एग्जांपल के साथ समझेंगे, कुछ ग्राफिकल डायग्राम्स भी दिखाऊंगा मैं आपको, उसके बाद इसका जवाब दूंगा मैं। बट अगर आपको जवाब आ गया है तो प्लीज जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, एक एक करके मेथड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं ऑल्टरनेशन रैंकिंग स्केल। अब ऑल्टरनेशन रैंकिंग स्केल का क्या मतलब है, हमने एक ट्रेट आइडेंटिफाई किया, लेट्स से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया द ट्रेट ऑफ पेशेंस। ठीक है, मुझे कहा गया एज अ पर्सन एज अ रेटर कि सर पेशेंस एक फैक्टर है, पेशेंट एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बेसिस पे हमें इंप्लॉइज को रेट करना है, और आप क्या हैं, लेट्स से आप रेटर हैं और रेटर गुड बी अ सुपरवाइजर ऑल्सो। अब एक सुपरवाइजर के अंदर 20 लोग काम करते हैं, लेट्स से आप 20 इंप्लॉइज को मैनेज करते हैं, देयर आर 20 इंप्लॉइज अंडर यू। अब आपको कहा जा रहा है कि आप इन 20 इंप्लॉइज को भैया ऑल्टरनेट रैंकिंग स्केल के हिसाब से रैंकिंग दे दीजिए कि पेशेंस में अगर देखा जाए तो आप फर्स्ट पे किसको डालेंगे और लास्ट पे किसको डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉमन चीज आपको क्या देखनी है
कि अगर किसी सुपरवाइजर को ऐसा लगता है कि यार मेरे दो लोग हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, और दोनों की ही पेशेंस लेवल इक्वल रैंकिंग पे, तो क्या हो सकता है कि दोनों को फर्स्ट रैंकिंग दी जा सकती है एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे 1 से लेके 20 तक वो रैंकिंग कर देगा, बट अगर कहीं पे उसको लगेगा कि यार फर्स्ट रैंक पे दो लोग डिजर्व करते हैं तो वो दोनों को एक ही रैंकिंग के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो बेसिकली वी आर मूविंग फ्रॉम अ हाईएस्ट रैंकिंग टू द लोएस्ट रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर 1 टिल योर 20th रैंक। तो ये हमारी ऑल्टरनेशन रैंकिंग स्केल होगी। ठीक है, तो हमने रैंकिंग कर दी बेसिकली यहां पे ट्रेड के बेसिस पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड ऑप्शन इज योर पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। नाउ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल सा भी है। कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए होती है बिकॉज स्टूडेंट दो एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं। देखिए पेयर्ड कंपैरिजन का क्या मतलब है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और पेयर्ड का क्या मतलब है कि आप दो लोगों को, पेयर क्या होता है आपके सॉक्स का पेयर हो गया, ठीक है आपके स्पेक्स का पेयर हो गया, जहां पे एटलीस्ट दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी ट्रेड हमें कहा जाए, देखिए वहां पे हम क्या कर रहे थे ऑल्टरनेशन रैंकिंग स्केल के अंदर कि हमें एक ट्रेड दे दिया गया है और हम एक साथ दो लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे, हम कोई भी पेयर नहीं बना रहे, हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि सारे इंप्लॉइज को अल्टरनेटिवली रैंक कर दो फ्रॉम 1 to 20। पेयर कंपैरिजन मेथड में हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, आपने दो दो लोगों को उठाना है, एक एक ट्रेड के बेसिस पे उनको जज करना है या फिर उनको कैटेगराइज करना है, और आपको बताना है कि अगर मैं एक ट्रेड उठा लेता हूं, लेट से मैंने उठा लिया द ट्रेड ऑफ पेशेंस, तो और ए और बी को कंपेयर किया तो इन दोनों में से कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और 100% क्लैरिटी आ जाए। मेरे पास 5 इंप्लॉइज हैं, ए बी सी डी एंड ई, इनको एक तरफ मैंने डाल दिया और दूसरी तरफ भी डाल दिया जस्ट इन ऑर्डर टू हैव अ क्वाड्रेंट काइंड ऑफ एन एलिमेंट। अब यहां पे प्लस साइन का क्या मतलब है, अगर मैं कोई प्लस साइन लगाता हूं किसी इंप्लॉय के अंदर, इसका मतलब क्या है कि वो बेटर है इन कंपैरिजन टू द अदर पेयर्ड इंप्लॉय। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले एग्जांपल से आपको समझाऊं, यहां पे आरती लिखा हुआ है, आरती का आरती से कंपैरिजन होगा तो यहां पे डैश वैल्यू आ गई हमारी। अगर हम आरती को मारिया से कंपेयर करें और यहां पे ट्रेड क्या लिया हुआ है, क्वालिटी ऑफ वर्क, दोनों में से किसके काम में क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मारिया को प्लस दिया, इसका मतलब क्या है, मारिया हैज अ बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन कंपेयर टू, इन कंपैरिजन टू आरती। सिमिलरली रीता से भी कंपेयर किया है, ठीक है, तो इट हैज अ प्लस, रीता को प्लस मिला है, राम का को नेगेटिव मिला है और कुमार को माइनस मिला है। इसी तरीके से हमने क्या किया, इस ट्रेड के बेसिस पे, ये हमारा जो एक ट्रेड था क्वालिटी ऑफ वर्क, इसके बेसिस पे हमने पांचों इंप्लॉयज को बारी बारी से पेयर बना के रैंकिंग कर दी, और हमें फाइनली क्या पता चलता है, आप काउंट कर लीजिए सबसे ज्यादा प्लस किसके हैं, सबसे ज्यादा प्लस किसके आ रहे हैं, मारिया के आ रहे हैं, मारिया हैज 4 प्लसेस। इसका मतलब अगर हम ओवरऑल रैंकिंग दें इस ट्रेड के बेसिस पे, तो जो सबसे बेटर इंप्लॉय जो हमारे सामने निकल के आएगा, दैट विल कम आउट टू बी मारिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दो दो लोगों को कंपेयर करके एक ट्रेड के बेसिस पे कैटेगराइजेशन कर दी, और हमें पता चल गया कि भाई जो सबसे अच्छा इंप्लॉय निकल के आ रहा है वो आ रहा है मारिया। अगर आप आगे भी जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, आरती को 2 स्टार मिले हैं, रीता को 2 स्टार मिले हैं, और राम और कुमार को 1-1 स्टार मिले हैं। इसका मतलब अगर हम जानकारी के लिए और डिटेल एनालिसिस करना चाहें तो राम और कुमार जो हैं वो क्वालिटी ऑफ वर्क के टर्म्स में इन पांचों इंप्लॉयज में सबसे लोएस्ट रैंकिंग पे आएंगे। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। थर्ड मेथड देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब देखिए इसके नाम से ही आपको झलक रहा होगा कि इसके अंदर कुछ नेगेटिव एलिमेंट नजर आ रहा है, और वो नेगेटिव एलिमेंट क्या है कि हमें इंप्लॉयज को फोर्स करना है और उनको एक सेगमेंट में डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 क्लासिफिकेशन है कि आपको क्या करना है, 10% इंप्लॉयज को एक्सेलेंट कैटेगरी में डालना है, नेक्स्ट 40% इंप्लॉयज को गुड कैटेगरी में डालना है, नेक्स्ट 40 को फेयरली गुड में डालना है, और लास्टली आपको 10% का एक्सेप्शन बनाना है पुअर। इसका मतलब क्या है, हम ये भूल जाएंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, हम ये भूल जाएंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, हमें जबरदस्ती उनको इन 4 कैटेगराइजेशन में बांटना ही बांटना है। यहाँ पे एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि लेट से आपके पास 100 इंप्लॉयज हैं, और 100 इंप्लॉयज में से सारे के सारे इंप्लॉयज की जो रेटिंग आई है वो निकल के आई है अबव 90%। इन सब ने अबव 90% परफॉर्मेंस दी है, इसमें से कुछ का स्कोर 98 है, 99 है, ठीक है, और कुछ का स्कोर जो है 91 है, 92 है, ठीक है। बट यहाँ पे तब भी क्या होगा कि जो लीस्ट 10% इंप्लॉयज होंगे, मतलब जो जिनका स्कोर लेट से 90 या फिर 91 होगा, ठीक है, जो जिन्होंने सबसे कम अच्छा परफॉर्म किया होगा, स्टिल इनका परफॉर्मेंस 90% से ऊपर है, तब भी हम क्या करेंगे, हम इन दो इंप्लॉयज को जो लीस्ट 10% इंप्लॉयज होंगे उनको किस कैटेगरी में डाल देंगे, पुअर कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि ये गलत बात है, डिस्पाइट कि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है,
उनका जो ओवरऑल रेटिंग है वो 90% से ऊपर है, ये मेथड आपको फोर्स कर रहा है, आपको जबरदस्ती कह रहा है कि भाई इनको पुअर वाली कैटेगरी में डालो इवन व्हेन देयर स्कोर इज अबव 90%। तो ये एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंड आई थिंक इसी की वजह से आपको इसका आंसर मिल जाता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी, तीनों मेथड्स आपको समझ में आ गए। एक मेथड और है, दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। वो क्या कहता है कि भाई कभी आपको लगता है कि कोई एक क्रिटिकल इंसिडेंट हुआ, लेट्स से कोई कस्टमर आया और वो आते ही बहुत जोर जोर से चीखने लग गया कि यार मुझे सर्विसेज अच्छी नहीं मिली, मैं बहुत डिससेटिस्फाइड हूँ, आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं हमें, आप कस्टमर्स की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो कहने लग गया। उस टाइम पे क्या हुआ, एक इंप्लॉय आपने देखा जो अपना काम कर रहा था, जिसका कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इस कस्टमर को अटेंड करना, बट क्योंकि इसने देखा कि यार मेरी कंपनी की ब्रांड वैल्यू खराब हो रही है, ठीक है मार्केट खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा हमारी कंपनी का, तो ये आउट ऑफ द वे इसने इनिशिएटिव लिया। यहाँ पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पता चल रहा है, इनिशिएटिव। इसने इनिशिएटिव लिया, ये आगे आया, इसने कहा सर आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व करवाता हूं, और उसने बहुत जल्दी से काम रिजॉल्व करा दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जो सुपरवाइजर होगा जो इस चीज को नोटिस कर रहा होगा, प्रॉब्ली कैमराज लगे हैं या किसी और रीजन की वजह से, इसको ये नजर आएगा कि यार ये क्रिटिकल इंसिडेंट था और यहां पे इसने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट शो किया, दैट इज इनिशिएटिव। तो वो इसके बेसिस पे नोट करके रख लेगा कि यार ये एक अच्छा इंप्लॉय है और इसने एक इनिशिएटिव का कैरेक्टरिस्टिक दर्शाया है या दिखाया है। तो कल को हो सकता है जब प्रमोशन के बारे में बारी आए तो वो लोग इस पर्टिकुलर कंसिडरेशन को, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को अकाउंट फॉर करें और उसको उसके प्रमोशन के टाइम पे वैल्यू करें। ठीक है, सो दैट इज व्हाट क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड इज ऑल अबाउट। ठीक है, अब दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, हमें बताना है कौन सा ऐसा मेथड है जो सारे के सारे इंप्लॉयज को सेटिस्फैक्टरीली या हाई रेट करने नहीं देता है। ठीक है, अब इस समय हो सकता है इस सिचुएशन में अगर क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड को देखें कि 5 इंप्लॉयज आए थे और 5 इंप्लॉयज ने थोड़ा थोड़ा काम किया था, किसी ने थोड़ा ज्यादा किया, किसी ने थोड़ा कम काम किया, बट उनने कस्टमर को सेटिस्फाई करके भेज दिया। ठीक है, तो ये सिचुएशन वहां पे हो सकती है, तो यहां पे भी हम सबको हाईली रेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट रैंकिंग के बारे में बात करें तो हो सकता है कि कोई लास्ट रैंकिंग तक पहुंचे ही ना, मेजोरिटी जो लोग हों वो टॉप 10 रैंकिंग में ही निपट जाएं क्योंकि दो 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 लोग हो रहे हैं। ठीक है, तीसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि दो हमें ये रैंकिंग पता चल गई बट हम जबरदस्ती उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, वाई, बिकॉज हमने सिर्फ दो दो लोगों का कंपैरिजन किया यहाँ पे। तो ये चीज हमें सिर्फ इतना बताती है कि यार अगर क्वालिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे देखें तो मारिया सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बट हम जबरदस्ती ये नहीं कह रहे कि राम और कुमार जो है वो पुअर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता चलता है कि कंपैरिजन के बेसिस पे मारिया इज बेटर देन द अदर फोर एम्प्लॉयज। ठीक है, बट जो लास्ट मेथड है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये हमें कह रहा है कि भाई अगर वो 90% से ज्यादा स्कोर भी करते हैं तब भी आपको उनको लास्ट कैटेगरी में या फिर फोर्सफुली पुअर वाली कैटेगरी में डालना पड़ेगा। ठीक है, इस रीजन की वजह से जो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा पहले भी चैलेंज करने को, बट मैं आपको बता दूं ये आंसर एनटीए ने बिल्कुल ठीक दिया और यहाँ पे फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही आंसर होना चाहिए बेसिक लॉजिक से। और अब मुझे लगता है कि चारों मेथड्स की एक्सप्लेनेशन समझने के बाद यू हैव ऑल्सो गॉट द आंसर। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई नो थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग सेशन था, मेरे लिए भी एग्जॉस्टिंग था, बट ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे के ही भेजना है। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि आपका मुझे पढ़ाया हुआ, मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है या आपको थोड़ी सी भी मदद हो रही है, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू मीट ऑन ट्यूजडे विद सम अमेजिंग कंसेप्ट्स, विद सम अमेजिंग क्वेश्चंस। टिल देन।